रविदास मदराका पीजिए जो चढ़ा चढ़ा उतराए, नाम हर्ष पीजिए जो चढ़ा नहीं उतराए। समझना होगा, अपने बच्चों को एजुकेट करना होगा, स्पोर्ट्स की ओर लगाना होगा, ताकि हमारे बच्चे जो है नशों की ओर ना जाएं। प्राइवेट बैंक के गोल्ड लोन से अपना सोना छुड़वाएं और अपने सोने की वैल्यू से ज्यादा मुनाफा कमाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मेहर रतन ज्वेलर्स, छन्नी हिम्मत, जम्मू। अज अस रमाबाई हुंदा जिहड़ी साडी माता ने साडे अंबेडकर साहब और बाबा साहब अंबेडकर जी उंदी धर्म पत्नी ही उंदी आजाद विच अस ये दिहाड़ा मना करने आ। ते दर्शन जी तुस भी आओ, ते बड़ी खुशी होई कि चलो अस थोड़ा थोड़ा करिए कि सही अपना महापुरशें दी याद करने दा जिहड़ा क्रम है ओह शुरू करी उड़िया। अज गै अस थोड़ा थोड़ा करिए उन्हें याद करने की कोशिश करके, तो आने वाले टाइम में जी साड़ी आने वाली पीढ़ियां ने उन्हें भी पता चल कि साढ़े महापुरश है कौन है, असें प्रेरणा कुंदे कोल लैनी है। साड़ा जिहड़ा समाज है ना बिखरे दा इस वजह करना है, क्योंकि असें ये पता गै नहीं है कि असें प्रेरणा कुदे कोल लैनी है। किश लोग जेहड़े ने पढ़े लिखे दे है ना, उन्हें भी समझ आया इसी कि उन्हें भी पता है कि हाँ साढ़े बाबा साहब अंबेडकर ने साढ़े वास्ते के है, उन्हें समाज वास्ते के किया, इस देश वास्ते इस दुनिया वास्ते के किया, वो तो लै देना। लेकिन बहुत सारी जी साड़ी जनसंख्या है वो हाली ऐसी है कि उन्हें भी बिल्कुल नहीं पता कि असें कुदे कोल प्रेरणा लैनी है। अस इंदे कोल प्रेरणा लै दे सारे जेहड़े साढ़े महापुरश इत्थे आए हैं, वो सुना करते हैं कि इन्हें बड़ा योगदान दिता बाबा साहब ने भीम राव बाबा साहब अंबेडकर बनाने वास्ते, बड़ा ज्यादा योगदान दिता। योगदान किन्हें दिता कि उन्हें जेड़ा किश भी करना चाहते हैं, अगर उन्हें समाज वास्ते किश करना हाँ जां उन्हें पढ़ना हाँ जां उन्हें जो भी सोच है ही उन्हें क्या किया, उन्हें विच रुकावट नहीं बने है, उन्हें दी अग्गे बधने वास्ते जो कुछ वो करी सकते हैं वो कर उन्हें किया। मतलब उन्हें कोल रोटी खाने की नहीं होंगी, उन्हें पढ़ने जाना हाँ तो उन्हें कोल पैसे नहीं है, पैसे दिते किन्ना जो कर 5 दिन 10 दिन का खर्चा चली जाग है ना, उन्हें रोना हाँ साल 1.5-2 साल बाहर रोना हाँ, लेकिन खर्चा किन्ने चिरा दिता 15 दिन का 20 दिन का खत्म हो गया। लेकिन वो बावजूद भी अपने टब्बर की पालना किन्ना मुश्किल होंगे, तुस अपने घर में सड़िया साड़िया औरतें भैन इन्हें भी पता है कि किन्ना मुश्किल होंगे, अगर घरवाला जो कमाइए नहीं आना जो सारा समाज का ताना बाना है, औरतें की हाली जो कमाने का इन्ना ज्यादा हाली छूट नहीं दी जाती है बाहर जाने की है, लेकिन अगर घरवाला भी कमाइए नहीं आना तो किंजे जो गुजारा बरसर जो होंगे तो कि घर कलेश भी नहीं मुक्न, मी लगता है साढ़े इतना कलेश भी नहीं मुक्ना है। लेकिन इन्हें उल्ला ने समझिया कि उन्हें अगर उन्हें जेडे साढ़े उल्ले 7-8 करोड़ जेड़े हे अछूत लोग हे जेडे मेरे ख्याल इन्ने गए सर 7-8 करोड़ के 7-8 करोड़ के कोल कश लोग हे, वो आखते हैं कि मी इंदी चिंता है, मी तुंदी चिंता तो हैगा है, लेकिन भी पूरा परिवार जेड़ा जेड़ा 7 करोड़ लोग ना इंदा भी मेरा परिवार है, मी इंदी भी चिंता है, मैं इंदा भी जेड़ा है वो ख्याल रखना है, ये वास्ते भी पहले किश आपे बनना पौना ता गै मैं इन्हें जगाई सकूँ ना, तो मेरा जरा रस्ता है वो ता गै अगर बधी सकता मैं जे तू मेरा साथ देगी। तो उन्हें बड़े अच्छे तरीके से समझे, उन्हें कहा तो जाओ पढ़ो कोई चक्कर नहीं है, टब्बर जेड़ा है वो मैं पालगी। जयकारा बाबे जी का बोलो सच्चे दरबार की जय। ना
पौली के निकट वनंद गांव में 7 फरवरी 1898 में हुआ था। रमाबाई के बचपन का नाम रामी था। इनके पिताजी का नाम भृगु धोत्रे और मां का नाम रुक्मणी था। रमाबाई की 3 बहन और एक छोटा भाई शंकर था। बचपन में ही माता पिता की मौत हो जाने के कारण रमाबाई और उनके भाई बहन अपने मामा और चाचा के साथ मुंबई में आकर रहने लगे थे। अप्रैल 1906 में रमाबाई का विवाह भीमराव अम्बेडकर से हुआ। विवाह के समय रमाबाई की उम्र मात्र 9 साल थी और भीमराव की उम्र 14 साल की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। उस समय भीमराव 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे जबकि रमाबाई बिल्कुल अनपढ़ थी। लेकिन शादी के बाद भीमराव ने उन्हें साधारण पढ़ना लिखना सिखा दिया था, जिससे वह अपनी हस्ताक्षर कर लेते थे। जिंदगी की कई मुश्किल घड़ी में वह उनके साथ नहीं होते थे। वह बाहर इंग्लैंड में पढ़ने के लिए होते थे तो रमाबाई जी घर पे अकेले ही घर का ध्यान रखती थी और अपने बच्चे की मौत का
सदमा भी खुद ही बर्दाश्त किया। खराब सेहत होने के बावजूद भी फिर भी बाबा साहब जी को पढ़ने और आंदोलन करने में मदद करती रही। जय भीम जय भारत। ओके सर, ओके आज श्री गुरु रविदास सभा खोड़ की ओर से माता रमा जी का, रमाबाई अम्बेडकर जी का पुण्यतिथि के ऊपर आज शत शत नमन करते हैं उस महान हस्ती को जिसने बाबा साहब को, भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाया, जिसे साहब बनाया, बाबा साहब बनाया, वो माता रमाबाई ही थी। तो आज उन्हें हम छत छत नमन करते हैं उस महान हस्ती को जिन्होंने अपने चार बच्चे कुर्बान कर दिए, जिन्होंने अपने चार बच्चे कुर्बान कर दिए इन डोंट आर्डन के लिए। अगर माता रमाबाई इतनी कठिनाइयां सहकर, इतनी चुनौतियों को कबूल करके, कंडे बेचकर अपने घर का पूरा काम का संभालते हुए, बाबा साहब की मदद करते हुए अगर वो ऐसा ना करती तो आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ना होते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते, अगर माता रमाबाई ना होती। तो आज इस बात को हमें समझना होगा कि माता रमाबाई की उनके त्याग के कारण ही भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दुनिया के महान ज्ञानी बन सके, बहुत पढ़े लिखे इंसान बन सके, बैरिस्टर बन सके और आगे चलकर उन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। आज जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है इससे हमारी पूरे देश का, हमारा गर्व के साथ सर ऊंचा होता है कि दुनिया में इसका कोई सानी नहीं है। इतना बढ़िया संविधान, इतना बेहतरीन संविधान दुनिया में किसी भी मुल्क का नहीं है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। वो सभी के लिए काम करता है जो बाबा साहब के खिलाफ बोलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोलते हैं। जो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी जो हैं, हमारे चीफ जस्टिस साहब इंडिया, उन्होंने कहा था कि जो अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान, बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ संविधान है, ये उनके लिए भी काम करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ करते हैं। तो आज उस त्याग की मूर्ति को, जब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जब बाबा साहब का बलात् से पढ़कर आए, उनका सम्मान कर रहा था, तो वहाँ पर उनकी जो पत्नी थी वो भी चाहती थी मैं भी सम्मान देखने जाऊँ, लेकिन जो साड़ी
उसने निकाली ट्रंक से, वो उनके छेदे फटी हुई थी। फिर जो शाहू जी महाराज ने उनको पगड़ी दी थी, वो पगड़ी पहन के सम्मान में जाती है। और बाबा साहब जब देख लेते हैं, बाबा साहब देखते हैं कि इसके सर पर, इसके बदन पर साड़ी ने एक वो पगड़ी से लपेटी हुई है। उन्होंने कहा मैं आपका एक अभागा पति हूँ, मांगा जो कुछ मांगना है। तो उसने क्या कहा था, पूरे भारत की नारियों के लिए, अपने लिए नहीं, पूरे भारत की नारियों के लिए साड़ी मांगी थी कि सभी के पास कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान सभी के पास हो। सभी की बात की थी, ना कि एक वर्ग की बात की थी। आज इस बात को समझना होगा हमारे महापुरुषों ने, मैं क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले की बात करूं, उन्होंने के एक वर्ग के लिए काम नहीं किया, उन्होंने कन्याओं को समझा कि औरतों को अगर नर का द्वार बनाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के द्वार उनके लिए बंद हैं। तो शिक्षा के द्वार उन्होंने पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 को पुणे के अंदर के जो कन्या विद्यालय बनाकर औरतों को पढ़ने का अधिकार दिया, औरतों बच्चियों के हाथ में कलम पकड़ाई। उन्होंने एक वर्ग के लिए नहीं किया, सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर ब्राह्मण बच्चियाँ पढ़ती थी हर वर्ग के लिए किया। तो आज हमें सभी को साथ लेकर चलना होगा, तभी ही हमारा जो भारत है वो विश्व गुरु बन सकता है। सभी के लिए समानता चाहिए, सभी को लिए अच्छी पढ़ाई चाहिए, और सभी को बराबरी, सामाजिक बराबरी चाहिए, आर्थिक बराबरी चाहिए, राजनीतिक बराबरी चाहिए, तभी ये देश महान बन सकता। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, नीगरों की बात करें, साउथ अफ्रीकन जो हैं अमेरिका के अंदर हैं, उनको घसीटा जाता, गाड़ियों के पीछे घसीटा जाता था, दो दो पैसे में खरीदे बेचे जाते थे। लेकिन आज वो बराबरी है, सभी के लिए बराबरी है, 13% हर किस्म का अधिकार उनको मिलता है। इसी तरह भारत में भी सभी को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो पढ़ाई का अवसर हो और चाहे वो कोई डेवलपमेंट कोई भी दायरा हो, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। और आज के दिन ये एक मैसेज रहेगा कि जय, एक मैसेज रहेगा कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, जो तीन जो मूल मंत्र बाबा साहब ने दिए हैं, एजुकेट, एजुटेट और ऑर्गेनाइज, आज हमें उनको पर चलना होगा। अगर आप अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है, खाना चाहे एक टाइम मिलता कोई परवाह नहीं। संत गाड़गे जी महाराज ने कहा था कि आप अपनी थाली बेच दो, घर कच्चा है तो कोई परवाह नहीं, लेकिन बच्चों को शिक्षा दो। आज हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए ताकि आगे जाकर ये महान बने। कलम ही एक ताकत, कलम के अंदर जो ताकत है वो किसी के अंदर, आज आप देख रहे हैं जो IAS अफसर बन रहे हैं, गरीब का बच्चा, कोई रेडी फड़ी वाले का बच्चा, कोई ऑटो ड्राइवर का बच्चा, आज वो मेहनत कर रहे हैं और IAS क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई करके IAS अफिसर बन रहे हैं। जो मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा। तो लिहाजा एक ही चीज़ नेल्सन मंडेला ने कहा था, वो एजुकेशन एक ऐसा औजार है, एक हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हो। तो आज हमें इस बात को समझना होगा, जहाँ हमारे बच्चे क्वालिटी एजुकेशन ग्रहण करें और जिनके माता पिता जो है इनको सपोर्ट करें। क्योंकि आज हमारे बच्चे नशों की ओर जा रहे हैं, आज हमारे जितनी हमारी दुनिया का सारा यूथ है वो नशे की गिरफ्त में है। आज उनको नशों की गिरफ्त से बचाकर एजुकेशन की ओर लाएं, स्पोर्ट्स की ओर लाएं, गुरुघर के साथ जोड़ें, ताकि बच्चे हमारे जो नशों की ओर ना जाएं। हमारे गुरुओं ने भी यही सिखाया है, रविदास मदरा का पीजिए जो चढ़ा चढ़ा उतराए, ना महारस पीजिए जो चढ़ा नहीं उतराए। आज हम इस बात को समझना होगा, अपने बच्चों को एजुकेट करना होगा, स्पोर्ट्स की ओर लगाना होगा, ताकि हमारे बच्चे जो है नशों की ओर ना जाएं। जय भीम, जय भारत, जय रमाई, जय सावित्रीबाई।